کی تمہید و تاخیر کے آپ کے چہیتے مقرر جناب حضرت مولانا قاری جمیل صاحب قاسمی بنگلوری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نهاية قابل قدر حضرات علماء اکرام معزز اور محترم شورا اکرام ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں عزیز بچوں میری پردہ نشی لاڈلی ماں اور بہنوں یہ میں فیصلہ کرنا نہیں چاہتا
कि बदनसीब मैं हूँ जो मुझे आप न मिले, या बदनसीब आप हैं जो मुझे न सुने। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो हकीकत और सच्चाई है वो मैं आपकी अदालत में पेश करना चाहता हूँ कि जब इस बस्ती के हुदूद में मेरी गाड़ी आई और रोड के दोनों तरफ से जाने वाले लोगों पे नजर पड़ी तो जनाब फयाज फैजी साहब ने फरमाया कि ये सब लोग जलसे में जा रहे हैं। इन्होंने ये जुमला जहां इस्तेमाल किया था वहां से लेकर जलसा गाह तक मैं समझता हूं कम से कम 4 किलोमीटर का फासला है। यकीन जानिए मैं इस मजमे को उस भीड़ को देखकर घबरा गया कि पहली बार इतने बड़े मजमे में बोलने का मौका मिला है, पता नहीं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। मगर मेरे दिल ने अब ये फैसला किया है कि हिंदुस्तान वालों की तरह नेपाल वाले भी जलसे के नाम पर धोखा देते हैं। और इस बदनज़मी का जुर्म और इस बदनज़मी को अंजाम देने वाले मुजरिम कोई और नहीं बल्कि जलसे की कमेटी होती है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या कुछ होगा मेरे बयान के बाद, लेकिन जो हकीकत है और सच्चाई है वो ये है कि जब जब जलसों में दुकानें लगेंगी तो जलसा बर्बाद होगा। जब जब जहां भी मेला लगेगा तो जलसा जलसा नहीं रहेगा बल्कि उर्स बन जाएगा। अगर मेरा ये दावा आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से उठकर आप रोड पर जाएं, आपका दिल फैसला करेगा कि एक दुकान पर जितने लोग हैं पूरे पिंडाल में उतने नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, सारी कायनात को तुम झूठ धोखा दे सकती हो लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह जानता है कि तुम अपने घर से जब निकली थी, आप अपने घर से जब निकले थे तो इरादा ये था कि मैं जलसा सुनने जा रहा हूं, मैं जलसा सुनने जा रही हूं, लेकिन जलसा गाह में आकर के आपने मामला बदल दिया है। ये धोखा है और धोखा नाजायज और हराम है, गुनाह है। आप एक लम्हे के लिए अपने कलेजे पर हाथ रखकर ये फैसला करके मुझे बताइए, मैं बेंगलोर की धरती से चलकर आया सुनाने के लिए, आप गांव में रह करके सुनने के लिए नहीं आए, क्या यही इंसाफ है? इसी को इंसाफ कहते हैं? या नेपाल वालों तुम्हारी मेहमान नवाजी का तरीका यही है? याद रखो एक बात, दस्तरखान को मुर्ग मलीदों से सजा देना मेज मेहमान की मेजबानी नहीं होती। प्यार मोहब्बत के अल्फाज का इस्तेमाल करना, उसके सामने मौजूद रहना, ये असल मेजबानी होती है। वो कोई और होगा जो आपके रोटी कबाब और पराठों पे खुश होकर के चला जाए। गलत बात है, बहुत गलत बात है। मेरी जगह आप होते ना तो आप भी, मैं समझता हूं, यही कुछ बोलते जो मैं दर्द से बोल रहा हूं। आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैंने अपनी तिजारत को छोड़ा, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा,
और खुशी से मेरी बीवी ने मुझे रुख्सत किया। आप नेपाल जा रहे हैं, लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको दुआ देकर रुख्सत कर रही हूँ। अगर हालत ये नजर आ जाए तो क्या तकलीफ होगी, कितना दर्द होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आपके जलसे का उनवान है प्यामे अमनो इंसानियत, और इंसानियत पहले ही गायब है, अभी बयान भी नहीं हुआ, गायब हो गए। ना अमन है ना इंसानियत है। जितने लोग कम से कम मैं समझता हूं 500 नौजवान लड़का जलसा शुरू होने से पहले यहां पर 5 इंच का बिल्ला लगा करके घूम रहा था, इस वक्त देख लीजिए कौन किधर है, कहां है। तो ऐसे तो प्रोग्राम नहीं होता है ना मेरे भाई, ये तो आदमी के इज्जत से खेलना हुआ, ये चीज अच्छी नहीं है। बहरहाल जितने लोग बैठे हैं कम से कम वो भी जुड़ करके बैठ जाइए, करीब करीब आकर के बैठ जाइए, अच्छा रहेगा। आ जाए, आ जाए, करीब करीब आ जाए, आए भाई, आइए, बात मान जाइए, आप आ जाइए ना, करीब आ जाए, मैं समझूंगा कि मिलाद कर रहा हूँ। आइए करीब आइए, देखिए पीछे वाले हिलने का नाम नहीं ले रहे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अच्छा जो लोग सोए हैं उनसे कह दीजिए कि बाहर जाके सो जाए, मेरे सामने से उड़े, अल्लाह के वास्ता है। आ जाइए भाई इधर, देखो जिसको जगह नहीं मिल पा रही है, ठंड लग रही है, स्टेज पे आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज भी 16x32 का है, आओ। आओ अंदर आ जाओ बेटे, अंदर आ जाओ, आ जाओ, ज्यादा देर बात नहीं होगी इंशाल्लाह, बस आधा घंटा, आओ अंदर आ जाओ। और आप लोग पीछे से जरा सामने दाएं बाएं आ जाइए ना, ताकि मुझे हौसला मिल जाए, आ जाइए, जैसे सारे लोग आ जाए, आ जाए इधर इधर, खरीम खरीम, अब खुरचुन बचा हुआ है बस, जी जी हाँ, ये हुई बात, मिलजुल के आ जाए, इधर आ जाए, बस समझिए कि आज आपस की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उनवान है अमनो इंसानियत कॉन्फ्रेंस। अमन के माने क्या है, अमन कहते हैं सुकून को, इंसानियत कहते हैं हर आदमी को उसका मकाम दिया जाए, ये इंसानियत। तो प्यामे इंसानियत, प्यामे अमनो इंसानियत का मतलब यहां तक तो आपने समझ लिया कि अमन के माने सुकून और इंसानियत के माने हर एक को उसका मकाम दिया जाए। माँ को माँ का मकाम, बीवी को बीवी का मकाम, बेटी को बेटी का मकाम, बहन को बहन का मकाम, यार को यार का मकाम, उस्ताद को उस्ताद का मकाम, उलमा को उलमा का मकाम, छोटे को उसका मकाम, बड़े को उसका मकाम, बूढ़े को उसका मकाम। यानी के जिसकी जो हैसियत है, जिसका जो मकाम है, उसको उस मकाम का हकदार बना देना, इसी को इंसानियत कहते हैं। बेटा मेरी बात सुन लो, एक दिन का चांस है, बस मेरी सुन लो, तुम अपनी बात में सुना लेना। तो अमन समझ में आया, यानी इत्मीनान सुकून। अब मोटे अंदाज में आप ये समझिए अमन किसको कहते हैं। एक औरत यहां से पैदल चले सीतामाढ़ी के लिए, रात का 12 बज रहा हो, लेकिन रास्ते में किसी ने उसको छेड़छाड़ नहीं किया, इसको क्या कहते हैं, बोलो भाई, साथ साथ बोलिए, हमें अगर सुनना है तो आज हम अकेला नहीं थकेंगे, आपको थकना पड़ेगा, इंसानियत। इसको क्या कहते हैं, अमन।
आलमे अमन, यानी एक आदमी 50 लाख रुपया ऊपर के जेब में रखा और मलमल का कपड़ा पहने हुआ, पूरा पैसा नजर आ रहा है, मगर पैदल खरामा खरामा चल करके मुजफ्फरपुर जा रहा है, रास्ते में किसी ने रोका तक नहीं, इसे क्या कहते हैं? अमन कहते हैं। इसे अमन कहते हैं। इस बात को जहन में रखें, बयान पूरा समझ में आएगा। अमन, हर इंसान को उसका मकाम उसकी हैसियत से दिया जाए, इसको कहते हैं इंसानियत। आपने अमन भी समझ लिया, आपने इंसानियत भी समझ ली। अब समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे आका की आमद से पहले, कलाम मुकद्दस के नुज़ूल से पहले दुनिया की हालत क्या थी। लोग 1 किलोमीटर भी अकेला सफर नहीं कर सकते थे, रास्ते में उनको लूट लिया जाता था, रास्ते में उनको मार दिया जाता था। अमन का ये हाल था, गोया दुनिया में हर तरफ बद अमनी फैली हुई थी, अमन का नामो निशान नहीं था। कब? मेरे आका की आमद से पहले, इस्लाम की आमद से पहले, कुरान की आमद से पहले, ये हालत थी अमन की। इंसानियत की क्या हालत थी? जब कोई औरत नापाक होती महीने में, समझ रहे ना आप, जब कोई औरत महीने में नापाक होती तो शौहर अपनी बीवी को अपने हाथ से जंगल में ले जाकर दरख्तों से बांध देता 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? अब वो 10 दिन में बारिश हो तो भी वो वहीं रहेगी, आंधी आए तो भी वहीं रहेगी, गर्मी हो तो भी वहीं रहेगी, ठंड हो तो भी वहीं रहेगी। और जिस तरह हम कुत्तों को अलग प्लेट में पानी रख कर देते हैं, दाना रख कर देते हैं, इस तरह उस बेचारी मजबूर औरत को ले जाकर खाना दिया जाता था। ये हालत थी इंसानियत। तो इस्लाम से पहले ना अमन था ना, बोलो ना, बोलो ना, ना अमन था ना इंसानियत थी। इस्लाम आया, पैगंबर आजम जनाब रसूल उम्मी व हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कलाम मुकद्दस का नुजूल हुआ, तो मेरे आका ने इंसानियत के माथे पर मोहब्बत का बिंदिया सजाया, इंसानियत के माग में प्यार का सिंदूर डाला, इंसानियत के कान में मोहब्बत की बाली लटकाई, इंसानियत के गले में अरे उल्फत का हार पहनाया, इंसानियत के गले, इंसानियत के हाथ में वो चाहत का कंगन पहनाया और इंसानियत के पांव में अजमत का पायल पहना करके कहा, इसे कहते हैं इंसानियत। और ये इंसानियत है अल खल्क व आलुल्लाह, पूरी दुनिया अल्लाह की मखलूक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, वो अरब का हो या अजम का हो, वो मशरिक का हो वो मगरिब का हो, वो काला हो वो गोरा हो, वो औरत हो वो मर्द हो। फरमाया ये इंसानियत है जिसमें चाहत भी हो, उल्फत भी हो, मोहब्बत भी हो, प्यार भी हो, अजमत भी हो, वकार भी हो। जब ये होगा तब इंसानियत तैयार होगी। जब ये होगा तब इंसानियत तामीर पाएगी। आज दुनिया के ये जाहिल लोग इस्लाम पर इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने औरतों का हक मार लिया, मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने औरतों के हुकूक की पामाली की। मेरा दावा यह है
और मेरा चैलेंज ये है कि दुनिया वालों, तुम्हें पता भी नहीं था कि औरतों का मकाम क्या है, ये तो बताया है मेरे महबूब ने आकर। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम, तुम्हारे यहाँ औरतों की हालत क्या थी इस्लाम की आमद से पहले, बच्चियों की हालत क्या थी, लड़कियों की हालत क्या थी, मैं सुना दूं तो जिगर फट जाएगा। मदीने के अंदर मेरे महबूब का एक सहाबी है जिसका नाम है दहिया कलबी। अल्लाह, क्या नाम है? दहिया कलबी। बहुत खूबसूरत, अभी इस्लाम लाए नहीं, बेपनाह खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि हदीस की किताबों में आता है कि अरब की औरतें पर्दे के पीछे छुप करके उनको देखा करती थी। अल्लाह, इतने खूबसूरत। एक मर्तबा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर नजर पड़ गई। नजर जो पड़ी, मेरे आका अपने घर तशरीफ लाए, नमाज तहज्जुद में मौला की अदालत में अपनी झोली फैला दी और इरशाद फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे मालिक बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा बनाया, बड़ा हुस्न जमाल का मालिक बनाया है, इतना हसीन बंदा तेरी जहन्नम में कुफ्र की हालत में जले मुझे गवारा नहीं। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज तहज्जुद में झोली फैलाई। ओ लोगो, देखो तो सही वक्त कौन सा है, तहज्जुद का वक्त है, झोली किसकी उठी है, जिस पे पूरी दुनिया कुर्बान हो जाए, जिस पे सारी कायनात कुर्बान हो जाए। अब्दुल्ला के यतीम की झोली उठी, मांगने वाला रहमतुल्लिल आलम, ओ जिससे मांगा जाए वो रब्बुल आलमीनो। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मेरे महबूब, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं, मांग कितना मांगता है। अल्लाह 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 अल्लाह, हे हे, जलसा मुकम्मल कर दिया हजरत, वाह वाह। उलमा इकराम ने लिखा है, अभी पैगंबर की झोली नीचे भी नहीं आई है, सुबह का वक्त हो गया, नमाज़े फजर से फरागत हुई, रब्बे काबा की कसम है, मेरा आका अपने हुजरे के बाहर खड़ा है और सामने से वो दहिया कल भी नौजवान आ रहा है। सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, ओ इमामुल अंबिया, ऐसा लगता है तुमने मुझे याद किया है, तुमने मुझे पुकारा है। कहने लगा, जरा हाथ बढ़ाओ, नबूवत वाला हाथ काली कमली ने बढ़ाया, दहिया ने अपने होंठ से लगाकर चूमा और कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे आका, मुझे अपना गुलाम बना लो, कलमा पढ़ा, आका ने गले से लगाया और दहिया कलबी के आंखों से आंसू जारी हो गए। नौजवान है, आंखें बहने लगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे इस्लाम के कबूल करने के बाद कायनात का खजाना तुम्हारे दामन में आ गया है, तुमको खुश होना चाहिए, तुम रोते हो, क्यों रो रहे हो? कहा, मेरे आका, जमाने जाहिलियत में जब मैं जाहिल था, कलमा पढ़ा नहीं था, मुझसे एक गलती बहुत बड़ी हुई है, क्या आपका अल्लाह मेरी वो गलती माफ करेगा? बुखारी शरीफ उठाए और उसमें ये वाकया आप देखें। क्यों? इसलिए यहां की वहां की अखबार की न्यूज की बातें मुझे कहने की आदत नहीं,
मैं आलिम हूं, आलिमाना गुफ्तगू करने का मिजाज रखता हूं। बुखारी का वाकया है, आप देखिए वहां लिखा हुआ है कि दहिया कलबी ने कहा, मेरे आका रो इसलिए रहा हो कि जब जाहिल था, ईमान लाया नहीं था, कुरान को माना नहीं था, एक गलती मुझसे बहुत बड़ी हुई। मेरा ख्याल है कि अल्लाह वो गलती माफ नहीं करेगा। क्या गलती? कहा कि मैं अपनी कौम का सरदार हूं, मैं अपनी कौम का सरदार हूं। हमारी जबान में कहिए, मैं अपनी कौम का मुखिया हूं। और मेरी कौम के अंदर ये रिवाज है कि जब भी कोई लड़की पैदा होगी तो उस लड़की को जिंदा दफन किया जाएगा, और ये काम कौम का सरदार करता है। मैंने ये काम 70 घरों के लड़कियों के साथ किया है। मैं सही समझाने में कामयाब हो रहा हूं या नहीं कामयाब हो रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं? समझाऊं? 70 घरों के लड़कियों को इन हाथों से मैंने दफन किया है, मेरा अल्लाह ये गुनाह माफ नहीं करेगा। हाय हाय हाय, अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना रहीम है। इमाम मुस्लिम रिवायत लेकर के आए हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल इस्लाम यहदिमु मा कान कबलहू, कि इस्लाम लाने से पहले जितने गुनाह तुमने किए, इस्लाम लाने के बाद अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, कुछ नहीं रहता। जब शिर्क माफ कर देता है इस्लाम लाने के बाद, तो बाकी गुनाह तो छोड़ो, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, तमाम गुनाहों की अम्मा तो शिर्क है ना। बेशक ये जुमला जब दहिया कलबी की जबान से निकला कि मैंने 70 लड़कियों को अपने हाथ से जिंदा दफन किया है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, इसीलिए मेरी आंखें बह पड़ी। अल्लाहु अकबर व कबीरा रिवायत के अंदर मौजूद है, अभी गुफ्तगु हो रही है, जुदाई भी नहीं हुई। इधर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इधर वो सहाबी खड़ा है, इधर महबूबे दो आलम खड़े हैं, इधर वो दीवाना खड़ा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ जिब्राइल जरा जल्दी कर, जल्दी जाकर दहिया को मुजदा सुना दे, नवैद सुना दे, खुशी सुना दे, उसे जाकर कह दे कि ओ दहिया कलबी, तेरे परवरदिगार ने तेरे तमाम गुनाह माफ किए। अल्लाह, इसी को इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया, ओ लोगों याद रखो, तुम्हारा इस्तिग़फार करना, गुनाहों को याद करके रोना अल्लाह की नजर में तेरी सजदे से ज्यादा महबूब है। गुनाह करना कोई बड़ी बात नहीं है, गुनाहों पे तौबा ना करना ये बड़ा जुर्म है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर तूने गुनाह ना किया, मैं दुनिया फरिश्तों से भर दूंगा। मुझे ये अच्छा लगता है कि तू गुनाह करता है फिर तौबा करता है। अरे जाते करीमी, वरना तो फिर फरिश्ते काफी थे मेरी इबादत के लिए, तेरी क्या जरूरत पड़ी थी मुझे? तुझे तो भेजा इसलिए कि जरा तेरी अदा तो देखो कि रब से रब को रुठा देता है, रब को नाराज करता है, फिर रब को मनाता कैसे है? कभी सजदे में जाकर, कभी हाथे उठाकर, कभी इस्तिग़फार करके, कभी सदका करके, कभी तहज्जुद पढ़ के, कभी तिलावत करके। अल्लाह कहते हैं तेरी इसी अदा पे तेरा रब कुर्बान है।
लेकिन जब गुनाह करके तू एहसास भी नहीं करता कि मैंने गुनाह किया, तब तेरे रब को गुस्सा आता। अल्लाह अल्लाह। चोरी सीना जोरी, एक तो गुनाह किया, शराब पिया, और जब नशा उतरा तो वजू करके दो रकात सलातो तौबा पढ़कर तूने क्यों नहीं कहा, अल्लाह रात जो मैंने पिया था मुझे माफ कर दे। मेरा रब कहता है तेरी तौबा में देर हो सकती है, माफी में देर नहीं। माफी में देर नहीं। और अगर अब मैं इधर अगर निकल जाऊं तौबा इस्तगफार समझाने के लिए, तब तो फिर मेरा वक्त गया। इसलिए इसको यहीं पे रहने दे। एक हदीस सुन लें जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो तुम गुनाह इतना करो कि पूरी दुनिया की जमीन तेरे गुनाहों से भर जाए। समझ रहे बात? खाली नेपाल की नहीं, पूरी दुनिया, पूरे बर्रे आजम तेरे गुनाहों से भर जाए। फिर गुनाह कर, उसके ऊपर रख गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह। फरमाया इतना गुनाह कर कि तेरे गुनाह आसमान को ठेक जाए। है है। समझ रहे बात? इतने गुनाह कि पूरी दुनिया आसमान तक तेरे गुनाह से भर जाए। अब मैं इस छोटे से मजमे में कहता हूं कि अगर अल्लाह आपको ऐसी 10 जिंदगी और दे दे तो इतना गुनाह कर पाओगे? नहीं। बोलो, नहीं कर पाओगे। तो अगर गुनाह कर बैठे हो घबराने की जरूरत, हो क्या जब हम नहीं बचे, आप कैसे बचोगे? कौन बचने वाला है? अल्लाह पाक फरमाते हैं जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पूरी दुनिया गुनाहों से भर गई, आसमान तक गुनाह चला गया, लेकिन बंदा रात के अंधेरे में उठा, वजू बनाया, मुसल्ला लिया, अकेले में जाकर खड़ा हो गया, दो रकात तहज्जुद की नियत बांध ली, नमाज मुकम्मल हुई, मौला की अदालत में कहने लगा मेरे अल्लाह तौबा। खुदा की कसम है लोगों, मेरा ईमान ये है, मेरा अकीदा ये है, मेरी जबान झूठ बोल सकती है, फातिमा का अब्बा कभी झूठ नहीं बोला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ लोगों, वो तेरी एक तौबा पूरी दुनिया के गुनाहों को मिटा देती है। तो बोलो ना तौबा फिर एक बार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियूं वातूबू इलैह। अब मैंने यहां पर तौबा क्यों करवाया पता आपको? अल्लाह कयामत के दिन कभी कभी गवाह भी मांगता है। हदीस में आता है कि बाज़ अमल पे अल्लाह कयामत के दिन गवाह मांगता है कोई गवाह? हम कहेंगे नेपाल की धरती पर कम से कम 100 लोग थे जब हमने तौबा किया था अपने तमाम गुनाहों से, और 100 लोगों का गवाह मैं हूं। तो फायदा हुआ नहीं? अरे हुआ नहीं, जोर से बोलो ना। एक बात सुन लो, हम जितने 4-5 लोग हैं उन्होंने अब तक खाना भी नहीं खाया, ना मुजाहिद खाया, ना शमशेर खाया, ना फयाज खाया, ना जमील खाया। खाली पेट में आपसे मिला हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, परवाह वो नहीं है, परवाह ये है कि आप मेरा साथ दें। आपने अपने पसीने की कमाई इस पिंडाल में लगाया है, आपने अपने मेहनत की कमाई इस माइक में लगाया है, आपने अपनी मेहनत की कमाई से जलसे को सजाया है, मगर आपकी बदनसीबी पर मातम कितना किया जाए कम है, आज आप ही गायब हो गए।
ये बदनसीबी है। बस इतने लोगों ने चंदा दिया था जलसे के लिए, हजारों होंगे। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देहिया कलबी ने जब ये जुमला कहा, मेरे अल्लाह मेरे प्यारे पैगंबर एक गुनाह ऐसा है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। कहा क्या गुनाह है? कहा मैंने 70 घर की लड़कियों को अपने हाथ से जिंदा मिट्टी में दफन किया। जिब्रील अमीन आ गए और कहा ए मेरे आका, आप अपने शागिरद को कहिए कि अल्लाह ने ईमान के साथ तेरे तमाम गुनाह माफ कर। अच्छा अब जब ये सुना है तो अब तो मुस्कुराना था ना, अब तो हंसना था ना, और बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। ये लो और बड़े बड़े आंसू गिरने लगे और जोर से रोने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देहिया अब क्या हुआ? आए हजरत दहिया कलबी कहने लगे मेरे आका इससे बड़ा एक गुना और है, वो इतना बड़ा है जिसे अल्लाह पाक किसी हालत में माफ नहीं कर सकता है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद नबवी में ये बातें हो रही हैं, सामने अबू बकर खड़े हैं, इधर उमर फारूक खड़े हैं, उधर उस्मान जिन नूरैन खड़े हैं, इधर हैदर कर्रार खड़े हैं, बीच में दोनों की गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौन सा गुनाह है जिसने तुझे इतना रुलाया? अल्लाह फिर देहिया कलवी ने वो दर्द में डूब कर दर्द भरा जो वाकया सुनाया है। हदीस के अंदर आता है कि पैगंबर के दाढ़ियों से आंसू के कतरे टपक रहे थे। सुना दूं? सुनोगे? वादा? सोगे तो नहीं ना? भागोगे तो नहीं ना? बस ये एक वाक्या, अल्लाह बेहतर जानता है। मुजाहिद हसनैन हबीबी मेरे न जाने कितने जलसों की निजामत की है इन्होंने, अल्लाह इसको खुश रखे। इसको पता है कि मैं बहुत शॉर्टकट और बहुत कम बोलता हूं, बदहजमी होने का खदशा हो उससे पहले बात खत्म कर देता हूं। यही हकीकत है ना? जी जी बिल्कुल। जब तक आप शौक से सुनेंगे मैं सुनाऊंगा दर्द भरी दास्तान, जिससे पता चलता है कि इस्लाम की आमद से पहले इंसानियत नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं थी। बस यही समझाने के लिए मैं ये वाकया लेकर आया हूं, ताकि कल जब किसी गैर से मुलाकात हो तो सीना चौड़ा करके कह सको ए दीवाने, दुनिया में अमन शांति इंसानियत आई है इस्लाम से। और दलील ये है, देहिया कलबी ने कहा, आका ने फरमाया कि अच्छा वो वाकया सुनाओ, कौन सा गुनाह इतना बड़ा तुमने कर दिया? तो देहिया कलबी ने कहा कि मैं एक मर्तबा परदेश जा रहा था तिजारत के लिए, मुल्क शाम जा रहा था और मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था। मेरी बीवी को, मैंने अपनी बीवी से कहा कि सुनो मैं तो जा रहा हूं, 6 महीने में भी लौट सकता हूं, साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी हो सकता है, तेरे पेट में जो बच्चा है इसके डिलीवरी के बाद देखना, अगर लड़का हो तो जिंदा रखना, अगर लड़की हो तो फौरन मार देना। ये बोलकर वो चले गए। अब मैं यहां पर रुककर अपने मौजू से हटकर एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप मुझे बताओ लड़का या लड़की इसमें औरत की जात का कोई दखल है क्या? बोलो। नहीं। जोर से बोलो ना भाई। नहीं ना। लड़का या लड़की इसमें औरत की जात का अपना कोई दखल है? नहीं ना। पक्की बात। फिर एक लड़की के बाद
दो लड़की के बाद जब तीसरी लड़की हो तो ससुराल के सारे लोग उसे क्या कहते हैं, कितनी मनहूस औरत आ गई मेरे घर में कि खाली बेटी ही हो रही। नहीं बोलते, बोलते नहीं बोलते? हमारे इंडिया में तो बोलते हैं भाई, यहां बोलते कि नहीं अल्लाह बेहतर जाने, बोलते हैं ना। और अगर खुदा ना करे मुजाहिद चौथी हो गई तब तो खैर नहीं है, तलाक पक्का। अब बेटा वाली से करेंगे, जैसे ये छुछुंदर के बच्चे को पता है कि दूसरी जो लाएंगे तो 100% गारंटी उसको बेटा ही हो। आप अंदाजा लगाएं कि मुसलमानों की फिक्र को कितनी बड़ी बीमारी लग गई। अरे मैं तो ये कहा करता हूं कि औरत का जो पेट है ना, जहां पर बच्चा तैयार होता है, तो जहां पर माल बनता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं ना। तो औरत तो फैक्ट्री है, बस उसमें जो मटेरियल डालोगे माल वही निकलेगा, ये पक्का है नहीं? अरे भाई पक्का है नहीं? लोहा डालोगे तो मिट्टी निकलेगी माल बनकर, मिट्टी डालोगे तो लोहा का राड निकलेगा नहीं? क्यों? इसलिए कि फैक्ट्री का कानून ये है, जो मुझे देगा मैं उसे तुझे वापस करूंगा। माँ का पेट बच्चे की फैक्ट्री है, बाप ने जो कुछ रखा माँ ने उसी को वापस किया। अगर बेटी का होना जुर्म है तो सबसे बड़ा मुजरिम बाप होगा। अल्लाहू अकबर, हक है, हक है। सबसे बड़ा मुजरिम बाप होगा। क्यों? इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, व समाई व तारिक व मा अदरा का मतारिक النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق مما اندافق। ए मेरे बंदो, बच्चे का मटेरियल तेरे नुतफे से वहां तक पहुंचता है। वो देहिया कल्बी बोल कर चले गए, अगर बेटा हो तो जिंदा रखना, बेटी हो मार देना। अजीब बात यह है, 3 साल के बाद जब देहिया परदेश से वापस आए 3 साल के बाद, हाय हाय, दरवाजे को खटखटाया, दरवाजे को दस्तक दिया, एक छोटी सी बच्ची आई और उसने दरवाजा खोला। बाबा को कभी देखा तो नहीं था ना, दरवाजा खोल कर कहा, कौन हो तुम, क्या काम है तुम्हारा यहां? कहा कि मुझसे बाद में पूछेगी, पहले तू बता तू कौन है। तो कहा कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। हदीस की किताब में खुदा की कसम बिल्कुल यही जुमला लिखा है, थोड़ी भी कमी ज्यादती मैं नहीं कर रहा। इस घर के मालिक की मैं बेटी हूं। तो देहिया ने कहा कि अगर तू इस घर के मालिक की बेटी है तो मैं इस घर का मालिक हूं। आगे देखो, खुद हजरत देहिया कल्बी रो रो कर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब बात फरमाई। हजरत देहिया कहते हैं, मेरे आका जब मैंने ये जुमला कहा मैं इस घर का मालिक हूँ, वो प्यारी गुड़िया बेटी दौड़ कर आई, मेरे दोनों पाँव पकड़ कर रोने लगी। और चीखे मार मार कर कहने लगी, बाबा कहां गए थे, क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही थी, मेरे बाबा अब मुझे छोड़कर कभी भी ना जाना। हजरत देहिया कहते हैं, जब उसने कहा बाबा मैं समझ गया ये मेरी बेटी है, मैंने उसे धक्का दिया, वो जमीन पर जाकर गिरी।
आमना का लाडला हलीमा का लाडला सुनता जा रहा है, आंखें बहती जा रही है, उधर अबू बकर रो रहा है, इधर उमर रो रहा है, उधर उस्मान रो रहे है, इधर हैदर कर्रार रो रहे है, मस्जिद नबवी में हर तरफ रोने की आवाज आ रही है। हजरते देहिया कल्बी की जबान भी चल रही है और जिगर भी फट रहा है, आंखें भी बह रही हैं, बेटी को धक्का दिया, बीवी के पास गया और कहने लगा, जब मैंने तुझे कहा था मारने के लिए तूने जिंदा क्यों छोड़ा। बीवी कहने लगी, माँ माँ होती है, मेरी हिम्मत नहीं हुई। और दुनिया की तारीख गवाह है कि किसी मां ने कभी अपनी बेटी को अपने हाथ से मारा नहीं है। देहिया कल्बी कहते हैं कि मेरे दिल को वो भा गई, उसकी मोहनी सूरत मेरी आंखों में प्यार का ताजमहल बना बैठी, उसके प्यारे लब से निकलने वाली सुरेली बातें मेरे जिगर को फाड़ गई और उसका प्यार मेरे दिल में आ गया। इसके बावजूद मेरी कौम का मुझे ख्याल आया कि मेरी कौम के लोग क्या कहेंगे कि 70 घरों की बेटियों को मारने के वक्त तुझे अफसोस नहीं हुआ, अपनी बेटी को मारने के वक्त अफसोस होता है। इसलिए मैंने अपनी बीवी से कहा कि इसको तैयार करो। मेरी बीवी की आंखें बहने लगी। मेरी बीवी ने कहा कि जरा देखो तो सही कितनी प्यारी है, किस तरह मारोगे इस बच्ची को। बाप ने कहा मैं वो नहीं सुनता, इसे गुसल कराओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, सर में तेल डालो, आंखों में सुरमा लगाओ, कपड़े में इत्र लगाओ, मैं आज इसको जंगल लेकर जाऊंगा। ये कब की बात बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान है आपको, कब की? इस्लाम के आमद से पहले की। इंसानियत का ये हाल था। अल्लाह, कहते हैं मेरी बीवी ने कपड़ा पहनाया, गुसल दे दिया, उसके बाद मैंने एक हाथ में कुदाली उठाई और दूसरे हाथ में उस मासूम को उठाया। वो बच्ची कहने लगी, बाबा तकलीफ क्यों करोगे, मैं पैदल चल सकती हूं ना, आपके साथ मैं पैदल जाऊंगी। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, देहिया कल्बी कहते हैं मैं मकान से जैसे ही बाहर निकला, मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, अब्बा जान मुझे नानी से मिलाने जा रहे हो इसीलिए नया कपड़ा पहनाया है। कहने लगी, अब्बू जान मुझे बाजार लेकर खिलौना दिलाने जा रहे हो, कितने अच्छे पापा हो, कितने अच्छे अब्बा हो। उस मासूम कली को क्या पता था बाप की नीयत में क्या है। हजरते देहिया कहते हैं मैं उससे बात नहीं करता, कोई जवाब मैंने नहीं दिया, यहाँ तक के एक मैदान में गया, बच्ची को दरख्त के नीचे बैठाया और मैं मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, उसकी कब्र बनाने लगा। खुद हजरत देहिया कल्बी कहते हैं मिट्टी खोदने के वक्त जो मिट्टी का टुकड़ा उड़कर मेरी दाढ़ियों पे पड़ता था, वो मेरी नन्ही प्यारी बच्ची अपने हाथ से मेरी मिट्टी साफ करती थी और कहती थी, अब्बा धूप बहुत ज्यादा है, पसीना आ रहा है, चलो ठंड में खड़े हो जाओ। जब मौसम ठीक होगा तो गढ़ा खोद लेना। और वो बार बार पूछती थी, अब्बा ये गढ़ा क्यों खोद रहे हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। देहिया कहते हैं
जब एक मर्द के बराबर वो गड़ा हो गया, मेरी बच्ची अपनी जगह से उठी और आकर के यूं गढ़े में झांकने लगी। मैं धक्का मार कर उसको गढ़े में डाल दिया। हजरत देया कलबी कहते हैं, मैंने जैसे ही जमीन पे धक्का मारा, वो चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, अब्बा ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं नानी के यहाँ जाने के लिए कभी ना कहूंगी। मैं खिलौना दिलाने को कभी ना कहूंगी। हजरत दिहिया कहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं मिट्टी डालता गया। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, अब्बा मेरा चेहरा अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, मुझे जंगल में फेंक दो, कोई दरिंदा खा लेगा, तुम अपने हाथों को बेटी के खून से रंगीन ना करो। अब्बा मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, मुझे आप जंगल में छोड़ दो। देहिया कलबी कहते हैं कि जब उसकी गर्दन तक मिट्टी पहुंच गई तो उसने अपनी तवज्जो मेरी तरफ से हटाया और दूसरी तरफ तवज्जो करके आसमान की तरफ नजरें उठाई और एक जुमला जो उसने कहा, पैगंबर का जिगर फट गया सुनकर। बच्ची ने आखिरी जुमला कहा कि मेरे अल्लाह, मैंने सुना है कि कोई पैगंबर आएगा जो बेटियों की जान को बचाएगा, ए अल्लाह वो पैगंबर क्यों नहीं भेज रहा है, मुझ जैसी कितनी बेटियां जिंदा दरगोर हो गई, जिंदा दुनिया से रुखसत हो गई। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला सुना है तो आपका जिगर फट गया, रोने लगे। सहाबा ने पकड़ लिया, हजरत उमर आकर कहने लगे, दहिया वो तुझे अच्छा लग रहा है मेरे महबूब को रुलाने में। और ये तो वहां की बातें हैं, छोड़ो पैगंबर के जमाने की, मुस्तफा के दौर की बातें हैं। अरे ये हिंदुस्तान जहां पहले यहां आर्य समाज की हुकूमत थी, खुद इस मुल्क हिंदुस्तान की हालत ये थी। इस्लाम की आमद से पहले क्या थी हालत, कौन नहीं जानता है कि आज अगर एक हिंदू लड़के की शादी होती आज और किसी वजह कर रात में शौहर का इंतकाल हो जाता तो आप सब जानते हो कि उस लड़के के साथ एक रात की दुल्हन को भी जला दिया जाता था। जलाते थे या नहीं? और क्या कहते थे उसको कि तेरी नहुसत की वजह कर मेरा बेटा मरा है, लिहाजा तू भी जिंदा रहने की हकदार नहीं है। ओ तेरी जान को बचाया है अगर किसी ने इस मुल्क के अंदर तो वो इस्लाम ने बचाया, मुसलमान ने आकर के, इस्लाम ने आकर के इस रस्म को खत्म किया और इसके लिए कुर्बानियां दी है। तो पयामे इंसानियत का पैगंबर और पयामे इंसानियत का पहला मजहब, पयामे इंसानियत का पहला सबक जिसने दिया वो मजहब इस्लाम है। और पयामे इंसानियत की जो सबसे मजबूत किताब है वो अल्लाह का कुरान है। मेरा चैलेंज है दुनिया की किसी किताब के अंदर इतनी मर्तबा लोगों को नहीं समझाया गया जितनी बार अल्लाह ने कुरान में लोगों को समझाया है, इंसानियत का सबक पढ़ाया। लोग माँ बहन बेटी पहचानते नहीं थे, माँ क्या है, बहन क्या है, बेटी क्या है, इनके दरमियान फर्क करना इनको मुश्किल होता था, उनके दरमियान फर्क। अरे बाप अगर मर जाता, बाप अगर मर जाता तो अपना बेटा अपनी माँ से निकाह करता था, अपना बेटा
अपनी माँ से निकाह करता था, इसको खत्म किसने किया? बोलो, इस्लाम ने। औरतें जब नापाक होती तो उनको जंगल में फेंक दिया जाता था। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सुनो ऐ लोगों, जब मैं नापाक होती थी महीने में, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आयशा आज साथ खाना मेरे खाओगी। देखो, मैं इस्लाम समझाना चाह रहा हूं, अपने दावे की दलील पेश करना चाह रहा हूं कि औरतों को इज्जत का ताज किसने पहनाया, औरतों को इज्जत का ताज किसने पहनाया, वो सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम है। ये जो विरासत का हिस्सा है ना, बाप के मरने के बाद बेटी का हिस्सा, ये किसने दिया है? है कोई माइका लाल अपने धर्म के अंदर ये ला करके अपनी किताब से साबित कर दे कि हमारे धर्म के अंदर भी बहन का हिस्सा होता है? कोई धर्म नहीं, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, किसी मजहब के अंदर बहन का हिस्सा नहीं है, किसी मजहब के अंदर माँ का हिस्सा नहीं है। ओ, माँ को हिस्सा भी इस्लाम ने दिलाया, बहन को हिस्सा भी इस्लाम ने दिलाया, ये सिर्फ इस्लाम का खासा है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आयशा आज खाना मेरे साथ खाओगी तुम। ये हालत कब की बता रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करो, कब की? जब अम्मा हमारी महीने की नापाकी में होती तो आका जैसा मुकद्दस, आका जैसा पाकीजा, जिस पर खुद पाकीजगी फखर करती थी, वो कहते कि खाना मेरे साथ खाओगी। आगे सुनो, उलमा अगर बैठे हैं तो शमाइल तिर्मिजी उठा लें और उसके अंदर देखें ये बात है या नहीं है। अम्मा कहती हैं मैं नापाक होती, मेरे आका पाक होते, हम खाने के लिए बैठते, गोश्त की हड्डी जब दस्तरखान पे होती, मेरे आका को हड्डी पसंद थी, मुझे भी हड्डी पसंद थी, मैं जल्दी से उठाकर हड्डी को मुंह में रख करके चूस लेती। क्या करती? चूसती और चूस कर दस्तरखान पे डाल देती। हाय 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 हाय, जिसके होंठ व लिसानम व शफतैन बन जाए, अल्लाह का कुरान बने, पैगंबर उस हड्डी को जिसको अम्मा आयशा ने चूसा, नापाकी के हालत में चूसा, कायनात का इमाम, नबियों का नबी, अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा नबी, उस हड्डी को उठाकर अम्मा खुद कहती हैं वहीं पर मुंह लगाकर मेरा महबूब हड्डी चूसता जहां पर मैंने मुंह लगाया। मेरी बात समझ रहे हो? मैं बहुत कोशिश से समझा रहा हूं आज आपको, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं समझाने की। दूसरी तरफ जब औरत नापाक होती तो उसे जंगल में फेंक दिया जाता था। यहां नापाक अम्मा उसके मुंह की हड्डी जहां से चूसी गई, पैगंबर ने वहीं से मुंह लगाकर चूस कर ये बताया, ए दुनिया के लोगों, तुमने जो औरत को समझा है वो औरत नहीं है। और आगे सुनो, इसी शमाइल तिर्मिजी में है मुजाहिद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ में होते मस्जिद में, कहां? आखिरी बार बोल दो, कहां? मस्जिद में। तो अम्मा आयशा और मस्जिद नबवी दोनों के बीच में जो दीवार थी उसमें एक छोटी सी खिड़की बनी थी, और कहां? नीचे की तरफ खिड़की थी, यानी तकिया से थोड़ा ऊंचा छोटी सी खिड़की थी। तो अम्मा फरमाती हैं कि मेरे महबूब एतकाफ में होते और जब आप गुसल करते तो गुसल करने के बाद
मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर खिड़की के पास आकर बैठ जाते और फरमाते आयशा नहीं हुमैरा, क्या फरमाते थे बोलोगे नहीं हुमैरा। पूरी जिंदगी में मेरे आका ने कभी भी अम्मा आयशा का नाम नहीं लिया, जब भी बुलाया तो हुमैरा कहकर बुलाया। यहीं से पता चलता है कि मोहब्बत में अगर अपनी बीवी का नाम बदला जाए तो कल होके अगर कोई कहे कि बहुत मोहब्बत हो गया बीवी से, एक थप्पड़ खींच के दोस्त, एक थप्पड़, अरे वो निकाह वाला तो नाम है ही, उसे छोड़ो यार, वो तो तुमने शादी के कार्ड पे डलवा दिया, पूरी दुनिया ने नाम देख लिया। कुछ स्पेशल अपना नाम दे दो, पर्सनल नाम, जिससे मोहब्बत की बरसात होती हो। ये सुन्नत है गोया। तो फरमाया कि हुमैरा मैं इत्तेकाफ में हूं और तुम हालत हैज में हो, नापाक हो, तेल लगाना है सर में। तो अम्मा आयशा फरमाती है हाय हाय हाय, काश के नेपाल के लोगों तुम्हारे दरमियान हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत अपनी बीवी से हो जाए, खुदा की कसम कयामत तक एक तलाक भी नहीं हो, तलाक होगा ही नहीं। तो अम्मा कहती हैं कि मैं अपने हुजरे में खिड़की के पास यूं बैठ गई। कैसे? अब जब यूं बैठी तो आपका ये मुबारक खिड़की के लेवल में हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में लेट गए और खिड़की से सर निकालकर अम्मा के गोद में रख दिया। कहां रखा? कहां लिखा है ये? तिर्मिजी में, जिसके आखिरी में शमाइल तिर्मिजी आता है, वहां लिखा है ये। और उसके बाद अम्मा ने तेल लगाया, फिर आपको कंघी किया, और उसके बाद कहती हैं ये सब करने के दरमियान मैं नापाक थी। मैंने अम्मा की कब्र पे जाकर के पूछा, अम्मा ये तो अंदर की बात थी ना, आपने क्यों बता दिया? तो आवाज आई कि बेटे क्यों ना बताऊं, मेरा बेटा जब उसकी बीवी कभी नापाक होगी तो पूछते है, मसला पूछता, मेरी बीवी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, क्या मैं उससे मुलाकात कर सकता हूं, क्या मैं उसके हाथ का खाना खा सकता हूं। अगर अम्मा ने ये मसला नहीं समझाया होता तो बेटा मेरा कयामत तक मुसीबत में पड़ जाता। पढ़ता या नहीं पढ़ता? तो इस्लाम अमन और शांति का और इंसानियत का पहला पैगंबर, कुरान अमन और इंसानियत की पहली किताब है। मैं समझता हूं कि वक्त मैंने काफी ले लिया है और दूसरे मुकर्रर हजरात भी मौजूद है। बहरहाल आपको मैं दिल से दुआएं देकर के रुख्सत हो रहा हूं। आइंदा अगर कभी मुझे बुलाना हो तो ऐसा काम मत कीजिए, चाहे मुझे ऐशा के बाद फौरन बैठा दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन ये चीजें जरा ठीक सी नहीं होती हैं। आदमी का दिल टूटता है, परेशानी बढ़ जाती है, और जो कुछ कहना चाहता है वो कह नहीं पाता। फिर भी आपके खुलूस ने मुझसे जो कुछ कहलवाया, मैं समझता हूँ मैं समझाने में कामयाब हो गया। अल्लाह हमें भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और नहीं है उस्ताद लोग कहां, मगर दो ही बज रहे हैं। कल कह दीजिए बयान आपका बैरिया में, और इंशाल्लाह कल आइए आप सारे हजरत तैयार होकर बैरिया में, फयाज फैजी साहब के गांव में। अजमत कुरान पर इंशाल्लाह बयान करने का इरादा है, आप अगर मुनासिब समझते हो तो सारे हजरत तशरीफ लाइए और जम करके आगे बैठिए, इंशाल्लाह आएंगे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہم یقیناً مجرم ہیں اے اللہ ہم یقیناً قصور وار ہیں میرے مولا ہمارے قصوروں کو معاف فرما ہمارے جرموں کو معاف فرما ہمیں صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ اس عظیم جلسے میں جن لوگوں نے بھی جس طرح بھی جتنا بھی محنت کیا ہے اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ اس جلسے کو اور علماء کی آمد کو اس بستی کے لیے برکت کا ذریعہ بنا یا اللہ اس کی برکت سے اس بستی کی مصیبت کو دور فرما یا اللہ شیطان کے شرور و فتن سے اس گاؤں کی حفاظت فرما یا اللہ حاسدین کے حسد سے اس گاؤں کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والا بنا یا اللہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جن بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے مولا کریم تو قیامت تک ان کے قرآن کو ان کے سینے میں محفوظ فرما یا اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کے ماں باپ کو عطا فرما یا اللہ اس کی برکت سے اس کے گھر میں دین کا ماحول پیدا فرما یا اللہ ان کے گھروں کو تلاوت قرآن سے مزین فرما یا اللہ ان کے گھروں کو قرآن کی تعلیم سے مزین فرما یا اللہ اس بستی کو علم دین کا گہوارہ بنا یا اللہ مجاہدین اسلام کا اسے گہوارہ بنا یا اللہ مبلغین اسلام اس بستی سے پیدا فرما یا اللہ خطیب اسلام اس بستی سے پیدا فرما یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جو لوگ شوگر بی پی اور ہارٹ وغیرہ کی بیماری میں پریشان ہیں یا اللہ دوا کھا کھا کر پریشان ہو چکے ہیں مولا کریم تو حکیموں کا حکیم ہے یا اللہ تو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے یا اللہ ان کے دواؤں میں شفا پیدا فرما یا اللہ بغیر دوا کے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا اللہ جن کے سروں پہ قرض ہے وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان پیدا فرما یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان پیدا فرما یا اللہ جن کی جوان بیٹیاں شادی کے انتظار میں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں یا اللہ کسی وجہ کر ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں مولا کریم تو ان کو خوبصورت شوہر عطا فرما یا اللہ خوبصورت شوہر عطا فرما یا اللہ محبت کرنے والا پیارا شوہر عطا فرما یا اللہ نیک شوہر ان کو عطا فرما یا اللہ غریبوں کی حالت پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ گنہگاروں کی حالت پہ عفو درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ ہمیں کہنے کا سلیقہ تو ہے ہی نہیں پر جو کچھ بھی تیری مخلوق سے کہا ہے یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے مخلوق کے دلوں میں ہماری بات کو بیٹھا دے یا اللہ ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس جلسے میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں مولا کریم تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہم نے بھی ہاتھ اٹھائے رکھے ہیں یا اللہ یہ معصوم بچے جن کو تیرے نبی نے فرشتہ کہا ہے یا اللہ ان فرشتوں کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما یا اللہ ان فرشتوں کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمت